कुछ स्कूल के लड़कों ने पूरी स्कूल को ही हाईजैक कर लिया था। तभी हमारी मेन कैरेक्टर सबको बचाने की कोशिश करती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रन हाइड फाइट A20 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक अच्छी एंडिंग के साथ एक बहुत ही अच्छी थ्रिलर है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर जोई को अपने फादर के साथ देखते हैं। ये दोनों हंटिंग करने के लिए आए हुए थे। फादर ने एक एनिमल पर गोली चलाई और वो अब भी जिंदा था। फादर कहते हैं, अगर हमने इस एनिमल को नेचुरली मरने दिया तो इसे बहुत तकलीफ होगी। वो उसे और भी समझा रहे थे, तभी जोई एक पत्थर लेकर उसको मार डाल दिया। जोई की मदर का मर्डर हुआ था और इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। उसके फादर को लगता था कि अपने गुस्से को लेकर उसे थेरेपिस्ट के साथ बात करनी चाहिए। जोई इस पर गुस्सा हो जाती है। वो हमेशा अपने फादर की आर्मी का कोट पहनकर जाती है, तो उसके फादर उस पर गुस्सा हो गए। उन दोनों में झगड़ा चल रहा था, तभी जोई का फ्रेंड लुइस उसे लेने के लिए आ जाता है। उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, हमेशा उसे सपोर्ट करता है। स्कूल जाते वक्त कुछ लड़के इन्हें चिढ़ा रहे थे। जोई उन पर गुस्सा हो जाती है तो अपनी गाड़ी से उन्हें वो टकराने वाले थे। लुइस को बहुत ही बुरा लगता है। वो कहता है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं हमेशा इन सब चीजों का विक्टिम बन जाता हूँ। जोई ने कहा कि तुम इंटेलिजेंट हो, अच्छे हो, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। या फील्ड्स में दूर नोटिस करते हैं कि इनका एक क्लासमेट कुछ अजीब सी चीज कर रहा है। वो जमीन पर कुछ डाल रहा था। लुइस कहता है कि आज स्कूल में प्रैंक डे है, इस तरीके की अजीब चीजें आज होती रहेंगी। स्कूल में आने के बाद लुइस चाहता था कि जोई पहले अपना लॉकर चेक करे, पर जोई डायरेक्टली अपने क्लासरूम में चली जाती है। एक्चुअल में लुइस जोई को प्रॉम में चलने के लिए पूछना चाहता था। यही पूछने के लिए लॉकर में कुछ रखा हुआ था। आज हर जगह पर प्रैंक चल रही थी, तो इनकी टीचर भी जरा अनॉयड थे। बीच क्लास में लड़के आकर लड़कियों को प्रॉम के लिए पूछ रहे थे। जोई को यह सब बहुत ही गलत लगता है। अपनी मदर की डेथ के बाद उसका अपने क्लास में ज्यादा ध्यान नहीं रहता। इसके बारे में उसकी टीचर उससे बात करती है। जोई फिर भी इस बात को सीरियसली लेती नहीं। इसके बाद वो लॉकर के पास आई और फिर उसे पता चला कि लुइस उसे प्रॉम के लिए पूछ रहा है। इससे वो जरा अपसेट हो जाती है। उसने उसे पूछा कि तुम्हारा इससे इतना ऑब्सेशन क्यों है। लुइस कहता है, हम वहां जाकर सब लोगों का मजाक उड़ाएंगे, मजा आएगा। लुइस कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, शायद तुम्हारी मदर की वजह से तुम नहीं जाना चाहती। इस बात पर जोई और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। वो गुस्से में वॉशरूम में चली जाती है। पैरेलल में हम देखते हैं कि एक जगह पर बम फट कर आग लग गई। एक छोटी सी शेड थी। जोई ने वॉशरूम में आकर देखा तो एक लड़की जिसका नाम था एना, ये सीलिंग से कुछ ले रही थी। जोई देखने की कोशिश करती है पर उसे कुछ भी मिलता नहीं। पर हमें पता चलता है यहाँ पर एना ने गन छिपाई हुई थी। जोई को हमेशा उसकी मदर दिखती रहती है। मदर ने उसे कहा कि लुइस एक अच्छा लड़का है। जोई कहती कि मैं यहाँ से जल्द से निकलने वाली हूँ, उसे किसी की भी फीलिंग्स हर्ट नहीं करनी। इसके बाद अचानक से कैफेटेरिया के दरवाजे तोड़कर एक वैन अंदर आ जाती है। कुछ लड़के बाहर आए जिनके पास गन थी। एना भी अपनी गन निकाल लेती है। ये डायरेक्टली दो चार लोगों को मार डालते हैं। इनके लीडर का नाम था ट्रिस्टन। गोली लगने की वजह से एक लड़की इंजर्ड होकर वॉशरूम में आती है। जोई ये सब देखकर बहुत डर गई थी। ट्रिस्टन सबसे कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो हमारी सारी बातें माननी पड़ेगी। उसने एक लड़के को देखा जो ट्रिस्टन को हमेशा चिढ़ाता रहता था, तो उसके फ्रेंड ने उसे मार डाला। सारी चीजें जोई वॉशरूम से देख रही थी। वो जल्दी से वॉशरूम की सीलिंग ओपन कर लेती है। ट्रिस्टन को कुछ आवाज आया तो अपने फ्रेंड को वहां पर वो भेज देता है। जोई उस फ्रेंड से बाल बाल बच गई थी। ट्रिस्टन ने एक लड़की को फोन निकालने के लिए कहा। उसे कहता है, अगर तुम्हारे लास्ट डे है तो तुम अपनी मदर से क्या बात करना चाहती हो ये सब बोल डालो। उस लड़की ने फोन पर सारी सिचुएशन बता दी और उसकी मदर ने पुलिस को कॉल कर दिया था। पैरेलल में हम देखते हैं कि जहां पर बॉम्ब स्फोट हुआ था वहां पर सारे लोग चले गए थे। ये सारा कुछ पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ट्रिस्टन का ही प्लान था। लुइस ने भी अपनी मदर को कॉल किया और कहा कि अब तक उसने जो भी लाइफ जी है इसमें उसे कोई भी रिग्रेट नहीं। उसकी अगर आज डेथ होती है तो कहता है कि मैं हैप्पी था। जोई सीलिंग से क्रॉल कर जा रही थी पर ये टूट गई और वो किचन में नीचे गिर जाती है। ट्रिस्टन ने सुना और अपने फ्रेंड को कहता है कि जो भी है जाकर उसे मार कराओ। जोई डरकर छुप गई थी। उसके साथ किचन की शेप भी वहीं पर ऑलरेडी छुपी हुई थी। ट्रिस्टन का फ्रेंड क्रिस इनके पास आ रहा था। अगर उन्हें ढूंढ लेता है तो इन दोनों की डेथ हो जाएगी। ये बात कंसिडर कर जोई को बचाने के लिए शेप बाहर आ जाती है। क्रिस ने उसे तुरंत मार दिया। ट्रिस्टन फिर स्कूल के डेस्क को कॉल लगाता है और कहता है कैफेटेरिया में लाइव शूटिंग चल रही है, तुम्हें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। ये न्यूज मिलने के तुरंत बाद स्टाफ को लॉकडाउन कर देना चाहिए था, पर स्कूल की पॉलिसी थी पहले इस बात को कन्फर्म किया जाए। एक बहुत ही बड़ी गलती थी। पैरेलल में जोई स्लोली स्लोली स्कूल से बाहर निकल जाती है।
वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने वाली थी, पर वो रियलाइज करती कि ऐसा वो नहीं कर सकती। कुछ स्टूडेंट स्कूल में आ रहे थे, वो जल्दी से जाकर उन्हें वार्न कर देती है। सब लोगों को वार्न करने के लिए एक फ्रेंड उसकी मदद करने लग गई। रिस्टन सब लोगों को मोबाइल निकाल कर लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए कहता है, यानी कि पुलिस न्यूज़ सबको इसके बारे में पता चल सके। लुइस स्कूल का पेज मैनेज करता था, तो इस वजह से उसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स थे। ट्रिस्टन को पता चलने के बाद वो लुइस के मोबाइल से स्ट्रीम करता है। ट्रिस्टन को समझाने के लिए गार्ड के साथ स्कूल का काउंसिलर आया। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ, अभी भी कुछ भी बिगड़ा नहीं है, सब कुछ ठीक हो सकता है। ट्रिस्टन कहता है कि लास्ट वीक मैं तुम्हारे पास आया था, मुझे लगा था कि तुम एक्चुअल में मेरी हेल्प करोगे, मैं इसके लिए एक्साइटेड था, पर तुमने मुझसे कहा कि मेरा लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। वो गुस्से में काउंसिलर को मार डालता है। गार्ड बेचारा बहुत ही डर गया था, अपने पैंट्स में वो पेशाब कर देता है। ट्रिस्टन ने उसे जाने दिया ताकि वो स्कूल के स्टाफ को मैसेज दे पाए। पैरेलल में जोए हर क्लासरूम में जाकर सबको वार्न कर रही थी, यहाँ से जल्दी से निकल जाए, आज प्राइम डे था तो एक टीचर उन्हें सीरियसली लेते नहीं। अगले क्लासरूम में जाकर जोए ने खिड़की खोलकर डायरेक्टली उन्हें वार्निंग दी। इस तरीके से एक ही क्लासरूम में जाना ज़रा डिफिकल्ट हो सकता है, इस वजह से जोए ने फायर अलार्म बजा दिया। सब लोग क्लासरूम से बाहर निकलने लग गए थे, तभी ट्रिस्टन की गर्लफ्रेंड एना ये जाकर इसका फ्यूज निकाल लेती है। टीचर्स को भी लगा कि ये सिर्फ एक प्रैंक है, तो सब लोग फिर से क्लासरूम में चले जाते हैं। पुलिस को जब सारी सिचुएशन के बारे में पता चला तो शेरिफ कहता है, हमें इसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, हम हमारे ऑफिसर्स को कॉल करते हैं, उनकी टीम आने का वेट करेंगे। जो भी चल रहा था इसके बारे में स्कूल के सिक्योरिटी को पता चलने के बाद लॉकडाउन लगा देते हैं, यानी कि सब लोग खुद को क्लासरूम में बंद कर लेंगे। नेक्स्ट दिन में पुलिस स्कूल में पहुंचे, उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की पर डायरेक्टली बम फट गया। इसमें 2-3 लोगों की डेथ हो जाती है। इनकी लाइव स्ट्रीम की वजह से इन्हें न्यूज़ मीडिया कवरेज भी मिलने लग गया था, यही ट्रिस्टन पहले से चाहता था। जोए देखकर वहां पर पहुंच के पुलिस ऑफिसर का फोन ले लेती है। अभी भी उसकी मदर उसे दिख रही थी। उसकी मदर उसे कहती है, तुमने अब तक मुझे जाने नहीं दिया है। अचानक से एना वहां पर चेक करने के लिए पहुंच जाती है, तो जोए ने इस तरीके से प्रिटेंड किया कि वो मर ही चुकी है। डेड बॉडीज के फोटो निकालकर एना ने ट्रिस्टन को भेजी। ट्रिस्टन ने लाइव स्ट्रीम पर दिखाता है। एना के जाने के बाद फिर से जोए क्लासरूम के पास जाती है, कहती कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। ये करते हुए उसे एना ने देख लिया, उस पर वो गोली चलाने लग गई। स्टूडेंट्स ने प्रैंक के लिए एक पूरे रूम को बलून से भर दिया था, उसमें वो घुस जाती है। क्रिस्टन अब हर क्लासरूम में जाकर वहां से स्टूडेंट को कैफेटेरिया में लेकर आ रहा था। एक टीचर ने उसे कहा कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। ट्रिस्टन उसे कहता है कि आप अपने कपड़े निकालो और मैं किसी को भी हर्ट नहीं करूंगा। ट्रिस्टन उनसे कुछ भी करवा सकता था, तो लुइस ने उन्हें बचाने के लिए ट्रिस्टन से कहा कि मैंने यहाँ पर कमेंट स्टार्ट कर दिया है, लोग तुमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इसको आंसर देने के लिए वो टीचर को छोड़ देता है। जोए का पीछा करते हुए एना बलून के रूम में आ गए। वो हर जगह पर गोली चलाने लग गए, तभी जोए उस पर हमला कर देती है। एना की गन लेकर जोए ने एना को ही मार डाला। ये फाइट करते हुए उसके पैर पर चोट आ गई थी। ट्रिस्टन से बात करने के लिए उसके मदर के घर पर पुलिस पहुंच जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि मदर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। ट्रिस्टन ने उन्हें मार दिया था। बाहर पुलिस अंदर आने के लिए रेडी हो रहे थे। ये सब क्रिस ने न्यूज़ पर देखा। वो गुस्सा हो जाता है और डायरेक्टली सब पर गोली चलाने लग गया। सब लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। ट्रिस्टन का और एक फ्रेंड इसमें था जिसका नाम था कीप। ये भी क्लासरूम में जाकर सब लोगों को कैफेटेरिया में लेकर जा रहा था। सबको बचाने के लिए जोए उसके पास से गुजरती है। वो उसका पीछा करने लग गया। एना की डेड बॉडी उसने देखी तो जोए कहती है कि मैंने उसे मारा। वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसका पीछा करते करते एक हॉलवे में आता है जहाँ पर स्टूडेंट ने सब लोग फिसले इसके लिए कुछ कर कर रखा था। इससे फिसल कर उसकी गन उसे चली जाती है। जोए ने फिर उसे बहुत मारा और हथकड़ियों से बंद कर दिया। जोए को फिर से उसकी मदर दिखती है। मदर ने कहा, तुम्हें अब जिंदा रहना है, मेरे जाने के बाद तुम्हें कितना भी बुरा लगा हो फिर भी सर्वाइवल के लिए तुम्हें फाइट करना पड़ेगा। तभी कीप को होश आ जाता है। जोए ने पूछा कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो। कीप ने कहा कि मेरा हमेशा सब लोग मजाक उड़ाते थे, कुछ बच्चों ने उसकी पैंट उतार दी थी, तो उसके बाद से हमेशा सब लोग उसका मजाक उड़ाने लग गए, यहाँ तक कि टीचर भी उसका मजाक उड़ाते हैं। जोए कहती कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, पर तुमने जिन लोगों को मारा उनमें से कुछ लोग इनोसेंट भी थे, शायद उन्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हुआ था। अब तुम ऐसे ही हमेशा के लिए मजाक बनकर रह जाओगे। स्कूल की न्यूज़ सुनने के बाद जोए के फादर देखने के लिए पहुंच गए। अंदर की सारी लाइव स्ट्रीम वो भी देख रहे थे। जोए ने कीप की गन ली और सब लोगों को बाहर निकालने के लिए वो हेल्प करने लग गए। वो बाहर शेरिफ को कॉल लगाती है। उसने कहा, न्यूज़ पर हम सब लोग स्कूल से बाहर निकल रहे हैं, ये दिखना नहीं चाहिए। शेरिफ ने न्यूज़ वालों से बात की तो न्यूज़ वाले मान नहीं रहे थे,
तो शेरिफ कहते हैं कि मैं अंदर ट्रिस्टन को कॉल लगा दो, इसे तुम शूट करना। शेरिफ ट्रिस्टन को समझाने की कोशिश करते हैं, पर ट्रिस्टन कहता है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे मैं मेरा माइंड चेंज कर दूंगा। ट्रिस्टन की व्यूज बढ़ रहे थे और उसे मजा आ रहा था। उसने आना को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की तो पिकअप नहीं कर रही थी। उसने कीप को भी कॉल लगाया तो ये फोन जोए के पास है। वो समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो डायरेक्टली पूछने लग गया कि एना के साथ क्या हुआ। जोए कहती कि मैंने उसे मार डाला है। ट्रिस्टन ने उसे धमकी दी कि जल्दी से यहाँ पर तुम वापस आ जाओ वरना मैं एक एक करके सब लोगों को मार डालूंगा। ये वार्निंग देते हुए भी उसने एक लड़की को मार डाला। जोए फिर कीप के पास आई, उसे कहती है कि आज तक तुम्हारा सब लोग मजाक उड़ाते रहे पर अब तुम्हारे पास चांस है, मुझे ट्रिस्टन से लड़ने में मदद करो और सब लोग तुम्हें हीरो समझेंगे। कीप भी इस बात के लिए मान जाता है। जोए के फादर उसे मदद करने के लिए अपनी स्नाइपर निकाल लेते हैं और दूर से स्कूल पर नजर रख रहे थे। जोए भी ट्रिस्टन के पास पहुंची, उसे कहता है तुम चाहती क्या हो, क्या तुम्हें भी पॉपुलर बनना है। जोए यह सब नहीं चाहती, वो सिर्फ लोगों को बचाना चाहती है। उसे मारता इससे पहले कीप वहां पर पहुंच गया। वो शूट करता है तो ट्रिस्टन के आर्म पर लग गई। मौके का फायदा उठाकर जोए लुइस को लेकर वहां से भाग जाती है। ट्रिस्टन ने क्रिस को कहा कि जाओ और उनका पीछा करो और मोबाइल वापस लेकर आओ क्योंकि उसी पर लाइव स्ट्रीम चल रही थी। इस शूटिंग में लुइस को भी गोली लग गई थी। जोए ये देखकर उसे लेटा देती है। उसने उसे कहा कि तुम मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, मुझे इसे छोड़कर मत जाओ। उसे किस कर लेती है। लुइस उसे बताता है कैफेटेरिया के वैन में उन्होंने बहुत सारे कैंस लाए, इसे उन्होंने एक बॉम्ब बनाया हुआ है। लुइस ने जोए को आगे बढ़ने के लिए कहा। जोए का पीछा करते हुए क्रिस भी लैब में पहुंच चुका था। जोए ने आग लगाकर उसे इंजोर करने की कोशिश की पर वो ज्यादा सक्सेस हो नहीं पाती। वो उसे मारने वाला था तभी जोए के फादर ने उसे खिड़की से देखकर शूट कर दिया। गोली चलने की आवाज से पुलिस जाकर जोए के फादर को अरेस्ट कर लेते हैं। जोए ये सब देख रही थी। जोए ने फिर क्रिस की फोटो ट्रिस्टन को भेज दी। वो कहती है अब तुम्हें कोई भी याद नहीं रखेगा, न्यूज पर हर जगह पर सब लोग मेरे बारे में बात करेंगे। ट्रिस्टन डिस्टर्ब होकर वैन के बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और वहां से वो भागने लग गया। जोए कैफेटेरिया में आकर सब लोगों को बाहर भेज देती है। गाड़ी में का बॉम्ब देखकर गाड़ी स्टार्ट की उसे बाहर निकाल दिया। गाड़ी का बम फट जाता है और सब लोग बच जाते हैं। और भी पुलिस अब अंदर आ गए थे। वो ट्रिस्टन को अरेस्ट करने वाले थे तो ट्रिस्टन ने और एक बॉम्ब को एक्टिवेट किया। इस बॉम्ब के साथ उन्हें ट्रिस्टन की डेड बॉडी भी मिली। जोए को यहाँ से भागता हुआ देख पुलिस भी उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अब जोए को लास्ट बार उसकी मदर दिखती है। उसे कहकर जाती कि मैं तुम पर प्राउड हूँ और इसके बाद उसका दिखना उसे बंद हो गया। जोए को बाहर लेकर आते हैं तो शेरिफ ने उसके हैंडकफ्स निकाल दिया। जोए ने जो भी किया था इसके लिए शेरिफ ग्रेटफुल था। वो शेरिफ से कहकर अपने फादर को छुड़वा लेती है। उसने फादर को थैंक यू कहा। वो अपने सब फ्रेंड्स को देखती है तो इसमें एक लड़का उसे सस्पिशियस लगा। ये ट्रिस्टन था और वहां से वो भाग रहा था। जंगल में आकर वो अपना पासपोर्ट और पैसे निकाल लेता है। जोए ने अपनी फादर की गन ली और दूर से उसे शूट कर दिया। जोए ने कहा कि अब तुम तड़प तड़प कर मरोगे और तुम्हें डिजर्व करते हो। ट्रिस्टन की डेथ हो गई और जोए वापस आ जाती है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। जोए की मदर का किसी ने मर्डर कर दिया था इसके लिए कुछ कर भी नहीं पाई थी, पर इस बार उसके पास सब लोगों को बचाने की अपॉर्चुनिटी थी, उसने ये ले ली, अपनी मदर को एक प्रॉपर फेयरवेल दिया। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आपका ख्याल रखिए।